अच्छे हैं, अच्छा आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और सुनते आप सभी को हमारे को प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी हम घर आके तैयार हो गए हैं, ये देखिए, और चल रहे कलश भर में। मम्मी जी ला दी थी चुनरी, वो मैं ओढ़ के ट्राई कर रही थी कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तैयार हुई हूँ। मम्मी जी बोल रहे ओढ़ के चले जाओ, अच्छा लग रहा है, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा ओढ़े तो मुझे शर्म नहीं आएगी। ऐसे मैं फोटो वोटो खींच लेती, वीडियो सब बना लेती हूँ, रील सब, और निकाल के रख देती हूँ। करवा चौथ आ रहा है तो उसमें पहनूंगी, उसमें ओढ़ के पूजा करूँगी, पूजा पर बैठूंगी। अच्छा जच रहा है, खुद लेके आई है तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा। रचना तैयार कर दिया दादी, क्या हुआ मुँह क्यों लटका है? चलो एक रील बना लिए, फोटो खींच लिए, अब निकाल लेते हैं चुंडी, क्योंकि कोई नहीं पहन के जा रहे हैं तो और लगेगा अकेले पहनने में, इसलिए। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं, और ये देखिए ये है नई वाली मंदिर। यहाँ पे दो मंदिर है, पहले ऐसे ही गहबर ही बना हुआ था, जहाँ पे अभी मूर्ति सब बन रहा है। और पहले जो हम दिखाए आप सबको मंदिर, वो है नया मंदिर जहाँ पे शंख मलमल का मूर्ति फिक्स है, मतलब थ्रू आउट द ईयर पूरा साल ये मूर्ति रहता ही है। और ये है पहले वाली मंदिर, पुरानी वाली, जहाँ पे हर साल नया मूर्ति बनता है और वो फिर बस विसर्जन हो जाता है 10 दिन के बाद। और ये है हमारे मंदिर के प्रांगण, मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, दोनों ही मंदिर को। और अभी तैयारियाँ हो रही हैं नदी जाने के लिए, और ये ट्रैक्टर पर देखिए कुछ कलश है आगे में, और फिर ये ट्रैक्टर जाएगा आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे जाएंगे नदी कलश भरने के लिए। और ये है नया वाला मंदिर जहाँ पे मूर्ति को स्थापित कर दिया है, शंख मलमल का मूर्ति जो कि पूरा साल रहता है। और इसके जस्ट इस साइड में, राइट साइड में है पुरानी गहबर, जहाँ पे हर साल नया मूर्ति बनता है और 10 दिन के बाद उसको विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले मंदिर में पूजा होगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे नदी कलश भरने के लिए। और यहाँ पे अभी पूजा की तैयारियाँ हो रही है, जब तक हम लोग नदी के प्रांगण में जाके वेट करेंगे जब तक पूजा होगा। ये देखिए ये मंदिर नया वाला मंदिर के जस्ट राइट साइड में है, जो मंदिर पंडाल से बनाया गया है। ये है पुरानी मंदिर, पुरानी गहबर, यहाँ पर पहले मूर्ति मतलब हर साल बनता था और फिर विसर्जन हो जाता था। लेकिन अगर आप लोग हमें पहले से देख रहे हैं, पिछले साल ही ये मंदिर रेडी हुआ और इसमें नया मूर्ति स्थापना हुआ था, और हम उसमें भी गए थे कलश भरने के लिए। और ये है पुरानी वाली मंदिर जहाँ पे मूर्ति सब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन ही रहा है, ये षष्ठी या फिर सप्तमी दिन तक बनता है। जब तक मंदिर में पूजा हो रहा था, हम लोग यहाँ पे प्रांगण में वेट करते हुए कुछ फ़ोटो सब लिए हैं, जो कि आप लोग कम्युनिटी पे भी देखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे। नहीं देखे तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और वहाँ पे देखें। और अभी इंतज़ार ख़त्म हुआ, अभी हम लोग चल रहे हैं नदी के ओर कलश भरने। और अभी हम लोग नदी में पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हम लोग अभी फिर से वेट करेंगे, यहाँ पर पूजा होगा माता रानी का, और उसके बाद फिर नौ कन्याओं का जो होता है कलश, वो आगे आगे चलेगा और उसके बाद हम पीछे पीछे चलेंगे। अभी पूजा हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग नीचे में कलश रख के नदी के किनारे, और सब लोग वेट कर रहे हैं, जितने भी लोग गए थे कलश भरने, सारे ही लोग, कोई नदी में, नदी के अंदर, कोई नदी के किनारे, कोई नदी के ऊपर, सारे लोग मतलब वेट कर रहे हैं जब तक पूजा होगा। यहाँ पे देखिए कितना सारा लोग है, ये तो बस एक साइड का है, जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से दूसरे साइड में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। और ये पुल के नीचे थोड़ा सा ठंडा हो रहा था तो वहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पूजा हो रहा है तब तक। और जैसे ही पूजा ख़त्म होगा उसके बाद पहले कलश भरेगा 9 कन्याओं का, और उसके बाद हम लोग कलश भरेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पर ढेर सारा फ़ोटो सब खींचे, कुछ वीडियो सब बनाए।
अभी चल रहे हैं हम लोग पूजा देखने के लिए, क्योंकि हम लोग पूजा से काफ़ी दूर खड़े थे, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और सब लोग जाके पहले ही मतलब जिस साइड पूजा होता है उस साइड खड़े हो गए थे, तो हम लोग काफ़ी दूर हो गए थे पूजा से। लेकिन अभी हम लोग कलश को साइड में, नदी के साइड में रख के अभी जा रहे हैं हम लोग पूजा देखने। लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग पूजा नहीं देख पाए, मतलब अलग से ही देखे थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा से नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी जहाँ पर पूजा हो रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी जाके पूजा हो गए हैं। नौ कन्याओं का जो होता है कलश वो भर चुका है और अभी हम लोग कलश भर रहे हैं। बहुत सारे लोग पीछे भर रहे हैं, बहुत लोग आगे भर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कलश भर रहे हैं। मैं हूँ और मेरी जेठानी जी दीदी है, कलश भर लिए हैं और फिर से नदी के साइड में रख के वहाँ पर कलश को पूजा करने के बाद उसके बाद हम माथे पर उठा लिए। अभी कलश में जल भर के सब लोग निकल गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है। मतलब इस बीच में काफ़ी बड़ा खेत सब है और रोड देखिए उस साइड से ऐसे करके रोड गुजर रही है और वहाँ से यहाँ तक भीड़ लगी है। और हम लोग सबसे पीछे नहीं, हमारे पीछे भी काफ़ी बड़ा लाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा कलश था। और अभी हम लोग कलश लेके मंदिर में आ गए हैं और ये देखिए मैं किस तरह से वहाँ पे दबी हूँ। सारे लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से पूजा होगा मंदिर में, उसके बाद ही कलश को रखा जाएगा। तो माथे पे मैं कलश रखी थी और फिर वो कलश जो है घंटी के साथ टकरा रहा था, तो कहीं टूट ना जाए इसके डर से मैं गोदी में लेके खड़ी हूँ। और यहाँ पे चंदन आए तो चंदन अभी फ़ोन पकड़े हैं और कलश देखिए चारों साइड कितना ज़्यादा है। और मंदिर के प्रांगण में पूजा हो रहा है माता जी का। जैसे पूजा ख़त्म होगा वैसे ही कलश रखना शुरू हो जाएगा। वैसे 4 बज गया है, अभी पूरा दिन हम लोग व्रत है और इतना घूमे हैं धूप में तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन कोई नहीं क्योंकि हम अभी लास्ट है, अभी मतलब सब कुछ हो ही गया है, बस थोड़ी देर हम लोग को यहाँ पर रहना है। लेकिन भीड़ इतना रहता है ना, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है उस भीड़ में कि क्या बताएं। लेकिन अभी जो है हमारा कलश रख दिए हम लोग, देखिए आप लोग कलश देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कलश था। बीच में रास्ता है माता जी के मंदिर के बीच में और दोनों साइड कलश रखा हुआ है। फिर हम लोग कलश रखने के बाद पूजा कर लिए और अब जाके थोड़ा देर रेस्ट किए मंदिर के पास बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे चलते चलते। और अब जाके हम लोग चल रहे हैं घर। ये देखिए हमारी माता जी का मंदिर और मैं और हमारे जेठानी। वैसे आते समय 5-6-7 लोग थे ग्रुप में, लेकिन इस भीड़ में सब लोग हम खो गए। अभी सिर्फ मैं और मेरी जेठानी दीदी, हम लोग, हम दोनों बहन बस आ रहे हैं। है फैमिली, तो अभी हम आ गए हैं शाम के टाइम में और आरती भी करके ही आए क्योंकि शाम हो गया था। और वहाँ से आते ही ये देखिए घर पर हम आरती किए, घर पे भी हमारे कलश स्थापन हुआ है। आप लोग पिछले साल देखे होंगे, हमने अच्छे से दिखा पाए थे। इस साल में जब तक हमारा घर में कलश स्थापन हो चुका था। ये जो मिट्टी है, ये बालू, ये धार से लेके आते हैं नदी से और फिर इसमें जौ तिल सब डाल करके इसमें कलश डाल के कलश दे के यहाँ पर कलश स्थापन करते हैं घर में। और 10 दिन के बाद जिस दिन दशमी रहेगा उस दिन वो जो जौ है वो सारा बड़ा हो चुका रहेगा, तो उसको बड़े लोग, अपने से बड़े लोग छोटे लोगों को देंगे ऐसे आशीर्वाद स्वरूप वो जौ, और छोटे लोग पेड़ छू के आशीर्वाद लेंगे। ये वाली होती है, यहाँ पर देखो घर के देवता सबको मैं आरती कर ली और फ़ोन में बिल्कुल चार्ज नहीं, तभी मैं चार्ज में लगा देती हूँ फ़ोन को।